काफ़ी सुंदर तरीके से सजाया गया है, संवारा गया है कि जो भी श्रद्धालु आएंगे छठ घाट पे उसे कोई दिक्कत परेशानी ना हो। जिला प्रशासन की तरफ से अच्छी व्यवस्था की गई है। दो भात करेंगे, इसके बाद जो है फिर मना खरना है, इसके बाद संध्या कड़क है, फिर सुबह कड़क है। हम घाट पे भी चलेंगे और अंदर भी जाएंगे, एक एक चीजों को देखेंगे। बाकी आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए। तो चार पुत्र प्राप्त हुए थे। अच्छा, इसी छठ घाट, इसी छठ घाट पे। उस टाइम सर हम लोग को जन्म नहीं होगा, लेकिन हम लोग का बाप दादा बोल रहा था। और आप देखिए कि किस तरीके से घाट एकदम खूबसूरत दिख रहा है, एकदम साफ पानी बह रही है। भक्त जनों आए हैं, मनोकामना पूर्ण है, कोई खाली वापस नहीं गए हैं। छठ घाट घाट है जो राजा दशरथ भी यही छठ मनाए थे। और कैसे मनाए थे, जब राजा दशरथ को पुत्र नहीं हो रहा था तो सिंहेश्वर स्थान में पुत्रिष्टि यज्ञ किए थे, और यज्ञ करके इसी भिड़की पुल छठ घाट पर छठ मनाए थे। तब उसी से बेगूसराय से तमिलनाडु से अब के बड़ा आदमी आए हुए हैं यहाँ। तमिलनाडु से? जी, तमिलनाडु। देश भर में लोक आस्था का महापर्व छठ की धूम है, और हम बिहार के मधेपुरा में हैं और ये भिड़की घाट है। तस्वीर थोड़ा सा घुमा के दिखा दीजिए किस तरीके से जो भिड़की घाट है उसको काफी इसको सजाया गया है, सवारा गया है। लोक आस्था का महापर्व छठ जो यहाँ पे श्रद्धालु यहाँ पे पहुंचेंगे, लेकिन खूबसूरत तस्वीर हम आपको बिहार के मधेपुरा का दिखा रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे जो लोग यहाँ पे आते हैं छठ घाट पे आते हैं उनकी मनोकामना पूरी होती है, और कई सालों से जो है लोग यहाँ पे जो श्रद्धालु होते हैं वो यहाँ पे आते हैं और उनकी मन्नतें भी पूरी होती है। गोपी जी आपका नाम है। जी जी, क्या तैयारी है सर इस बार छठ घाट का? ये हम लोग दुर्गा पूजा खत्म होता है और छठ पर्व का तैयारी में लग जाते हैं, और नगर परिषद का बहुत बड़ा योगदान रहते हैं हमारे। ये पीछे में अनवर जी को देख रहे हैं जो हेड है, सुपरवाइजर साहब है, ये दिन रात मेहनत करके अपने 2600 वार्ड को मने अपने सब लेबर से सफाई में पूरा तैनात रहते हैं। दिन हो या रात एक बार भी फोन करते हैं तो जो भी JCB कहेंगे भेजने के लिए, या झाड़ू वाला हो या कोदार हो, तुरंत भेजता है, अपना योगदान देने में तत्पर रहता है एकदम जो है। इस बार क्या तैयारी है? इस बार सर छठ पर्व को लेकर बहुत अच्छा तैयारी है, और हमारा तैयारी लास्ट मैंने हो चुका है। आप देख सकते हैं जो हमारा तैयारी बिल्कुल ओके है, ताकि छठ व्रतियों को कठिनाई नहीं हो। नगर परिषद की ओर से बैठकिंग की व्यवस्था, गोताखोर की व्यवस्था, NDRF की व्यवस्था रहेंगे, ज़्यादा भीड़ को मैंने हटाने के लिए हमारे पुलिस प्रशासन जो है DM साहब, SP साहब, थाना प्रभारी साहब, कमांडो टीम सारी तैनात रहेंगे। और ये इससे पूर्व स्वर्गीय राम प्रताप शाह हलवाई इस घाट को सजाते थे, उसके उपरांत उनका पोता उत्तम शाह जी के द्वारा इस घाट को निःशुल्क में सजाते हैं, एक पैसा यहाँ चंदा नहीं लिया जाता है, ये बिल्कुल निःशुल्क है, और किसी प्रकार का हम चंदा भी नहीं लेते हैं। जिनका जिनका मनोकामना पूर्ण हुआ है मंदिर में, वो खुद आके टाइल्स, कोई टाइल्स लगवाते हैं, कोई मार्बल लगवाते हैं, मूर्ति बनवाते हैं, ये दाता के द्वारा ही ये मंदिर बनवाया गया है। और ये सर इससे पूर्व भी हमने आपको सर जानकारी दिए थे जो ये यही भिड़की पुल छठ घाट घाट है जो राजा दशरथ भी यही छठ मनाए थे। और कैसे मनाए थे, जब राजा दशरथ को पुत्र नहीं हो रहा था तो सिंहेश्वर स्थान में पुत्रिष्टि यज्ञ किए थे, और यज्ञ करके इसी भिड़की पुल छठ घाट पर छठ मनाए थे। तब उसको चार पुत्र प्राप्त हुए थे। अच्छा, इसी छठ घाट, इसी छठ घाट पे। उस टाइम सर हम लोग को जन्म नहीं होगा, लेकिन हम लोग का बाप दादा बोल रहा था। कितना पुराना ये छठ घाट है? ये तो बहुत लगभग हमारा 45 वर्ष उम्र सर हो रहा है, तो आप अनुमान लगाइए जो हमारे जो राम प्रताप साहब बाबा थे वो लगभग 100 वर्ष के बाद गुजरे हैं, वो 100 वर्ष से ज़्यादा उम्र था उनका तब गुजरे हैं, तो आप ये अनुमान लगाइए जो उसका 15-20 वर्ष होता होगा तब से घर सजा रहा है। काफ़ी पुराना है। काफ़ी पुराना है। ये रास्ता तो सहरसा चला गया है? ये सर सहरसा रास्ता गया है, और नामचिन ये भिड़की पुल सहरसा रोड ही कहलाता है ये। आप उस तरफ मंदिर भी हम देख रहे हैं, थोड़ा कैमरा घुमा के, मंदिर कौन सा मंदिर? ये सर दक्षिणेश्वर काली मंदिर है। आज तक इस मंदिर में जो भी भक्तजनों आए हैं मनोकामना पूर्ण है, कोई खाली वापस नहीं गए हैं। अच्छा, बहुत दूर दराज से इस मंदिर में आते हैं। यहाँ तो लगभग खगड़िया से, मानसी से, बेगूसराय से, तमिलनाडु से अब के बड़ा आदमी आए हुए हैं यहाँ। तमिलनाडु से? जी, तमिलनाडु। दूर दूर से आते हैं जी। उनका मतलब कोई भी जगह खो जाते हैं तो वो खुद आदमी यहाँ पहुँचा देते हैं, अलाउंस करके, पायल हो, मोबाइल हो, या जेवरात कोई भी हो, ये अगर खो जाता है तो हमारे अनाउंसमेंट के पास पहुंचा देते हैं, और उसका हम अनाउंस करके उसका सारा सामग्री वापस कर देते हैं। अच्छा अच्छा।
जी। हम घाट पे भी चलेंगे और अंदर भी जाएंगे, एक एक चीज़ों को देखेंगे। बाकी आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए, काफ़ी सुंदर तरीके से सजाया गया है, संवारा गया है कि जो भी श्रद्धालु आएंगे छठ घाट पे उसे कोई दिक्कत परेशानी ना हो। जिला प्रशासन की तरफ से अच्छी व्यवस्था की गई है। अब गोपी पंडित जी देख रेख रहे हैं, ये बताएं कि कल से इसकी शुरुआत मतलब होने जा रही है। जी जी, कल से शुरुआत होगी ना? कल से सर। 17, 18, 19, 20 तो कल से छठ पर्व का तैयारी हो रहा है। माता बहने लोग जो है कल में कद्दू भात करेंगे, जिसके बाद जो है फिर मैंने खरना है, इसके बाद संध्या कड़क है, फिर सुबह कड़क है। अब ये काफ़ी मतलब तैयारियां अंतिम चरण में मतलब लगभग मैंने कंप्लीट हो चुका है। हमारी सारी व्यवस्था हो गया है। महिला लोग को बदलने के लिए चेंजिंग रूम, जिला प्रशासन को बैठने के लिए जो है कंट्रोल रूम, पानी की लेंस क्लब के द्वारा पानी की व्यवस्था चारों साइड से रहेंगे ताकि पानी पीने में कठिनाई नहीं हो, कपड़ा चेंजिंग करने में कठिनाई नहीं हो। और कई साल से ये टीला पड़ा हुआ था, इसको अब की बार SDO साहब और नगर परिषद से कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा जो है छठ व्रती को कठिनाई नहीं हो, मतलब पूरा हम व्यवस्था के साथ मैंने सारा व्यवस्था हमारा ओके हो चुका है। सारा व्यवस्था ओके हो चुका है। चलिए, सारा व्यवस्था कंप्लीट हो चुका है, ओके हो चुका है, और आप देखिए कि किस तरीके से घाट एकदम खूबसूरत दिख रहा है, एकदम साफ पानी बह रही है। और उस तरफ जो है हमारी जो बहन है, महिलाएं हैं, ये आसपास में इनका घर है और ये भी यहाँ पे आई हुई देखने के लिए। बहुत पुराना घाट है, जो भी लोग यहाँ आते हैं, जो ये बहुत पुराना घाट है, जो श्रद्धालु यहाँ आते हैं उनकी मनोकामना भी पूरी होती है। ऐसा लगा फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।